बरूड थाने परिसर में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देश पर पेशा एक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठित शांति और विवाद निवारण समिति का एक दिवसीय सम्मेलन रखा गया, जिसमें खरगोन से आए एसपी धर्मवीर सिंह, एसडीओपी राकेश शुक्ला, एसडीएम ओम नारायण, तहसीलदार योगेंद्र मौर्य और थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लोवंशी, पुलिस टीम व ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं खरगोन पुलिस अधीक्षक द्वारा बरूड थाना क्षेत्र के ग्रामों से आए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समिति के सदस्यों एवं ग्रामीणों से पैसा एक्ट के नियम कानून के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह के द्वारा बताया गया कि पैसा एक्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं झगड़ा निवारण समिति विवादों का निराकरण ग्राम स्तर से करे, जिससे छोटी मोटी समस्याओं विवादों का ग्राम में ही समझौता हो जाए, जिससे थाना बरूड में किसी भी प्रकार की कोई विवाद थाने में ना आए और अपराध पंजीबद्ध ना हो सके, जिससे हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनी रहे। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। बरूड थाना क्षेत्र की जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उसमें पेशा एक्ट के नियम लागू हुए हैं। पेशा एक्ट के तहत एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जिसको अपन शांति एवं विवाद निवारण समिति कहते हैं। इस समिति का गठन सभी ग्राम सभा में हो गया है कि समितियां किस प्रकार से लोकल थाने के साथ सामंजस्य करके काम करें और ग्रामीण अंचलों के जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको अपने स्तर पर सुलझाएं। थाने की भूमिका उसमें क्या रहेगी, थाने के पुलिस अधिकारियों की भूमिका क्या रहेगी, इस पर एक परिचर्चा की गई है, एक इंटरेक्शन किया गया है, कोऑर्डिनेशन हुआ है। इन समितियों के साथ लगातार समन्वय बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। समिति के अध्यक्ष, समिति के पदाधिकारी और सचिव, थाने का स्टाफ उन सबको रखा गया है। इस कार्यक्रम में एसडीएम खरगोन भी उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने पेशा एक्ट के बाकी जो प्रावधान हैं उनकी जानकारी ग्रामीणजनों को दी है। किस प्रकार से ग्राम सभाएँ इन अधिकारों का उपयोग करके एक बदलाव का माध्यम बन सकती हैं। पेशा नियम मुख्य रूप से ग्राम सभाओं को कई प्रकार से सशक्त करते हैं। ग्रामीण स्तर पे जो कई प्रकार के विवाद आते हैं जिसके कारण रंजिशें बढ़ती हैं, द्वेष बढ़ता है, उनको कैसे हम स्थानीय स्तर पर टैकल करें, एक बड़ी अच्छी पहल हुई है। इसके माध्यम से निश्चित मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएँ सुलझेंगी और पुलिस का, स्थानीय थाने का और ग्राम सभाओं का और समितियों का समन्वय बढ़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।